एलोसेट एक्सल सिरप या एलर्जिक में यूज की जाने वाली मेडिसिन है, तो कैसे इसका डोज होता है, कितना दिन लिया जाता है, क्या इसका बेनिफिट्स मिलता है, क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। अगर आप पूरा जानना चाहते हैं कि कैसे बेनिफिट्स मिलते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। एलोसेट एक्सल के बारे में जानते हैं, तो इसे बिलबरी हेल्थ केयर द्वारा बनाया जाता है। इसका जो पैक है वह है 60 ml का, कॉस्ट 49 rupees है। इसके अंदर दो मॉलिक्यूल सिट्राजिन 5 mg है, अम्ब्रोक्जोल 30 mg है। तो जानते हैं मॉलिक्यूल कैसे वर्क करते हैं। तो सिट्राजिन एक एंटी एलर्जिक मॉलिक्यूल है और अम्ब्रोक्जोल एक म्यूकोलाइटिक है। तो जब आपको कुछ इस तरह की समस्या रहती है तब इसे दिया जाता है, जैसे कि आपको छींक बार बार आ रही है, एलर्जिक कंडीशन है जिसमें नाक बह रही है, आँख से पानी आ रहा है, आपको खुजली हो रही है, स्वेलिंग है, कंजेशन है, स्टफिनेस है, और जैसे कि आपको जो म्यूकस आ रहा है जब आप खांस रहे तो कुछ आपको थोड़ा सा थीकी बलगम आ रहा है और वो काफ़ी तकलीफ दे रहा है, आपको खराश है, तब इसे दिया जाता है। तो अगर आप इसे लेते हैं तो देखेंगे कि जो आपको नाक बेरे नाक से पानी बार बार छींक आ रही है वो कम हो जाएगा, और जो आपको कफ बलगम ज़्यादा था वो ज़्यादा थीकी था तो वह पतला हो जाता है, और वह काफ़ी जो कि जो स्टिकीपन रहता है उसका, वो चिपकने की जो शक्ति शक्ति रहती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जब आप कांफते हैं यानी आप खांसते हैं तो आपको जल्दी से वह बलगम पर हरा जाता है। तो अब बात करते हैं इसका डोज क्या होता है। अगर आप अडल्ट हो तो ट्वाइस डेली रहता है, मॉर्निंग और इवनिंग 5-5 ml अगर आप ले सकते हैं मॉर्निंग और 5 ml इवनिंग को ले सकते हैं। और जैसे कि अगर आप इसे ले रहे हैं तो बंद करने से पहले जरूर डॉक्टर से इसके बारे में बताएं। और जैसे कि अगर आप इसे ले रहे हैं अगर आपको उल्टी आ जाए 10 मिनट के अंदर ही तो आप सिंगल डोज रिपीट करें। अगर आप कोई डोज मिस कर जा रहे हैं इसका तो सिंगल डोज ही फॉलो करें। और जैसे कि अगर आप इसे ले रहे हैं तो इतना ख्याल रहे कि आप जो कि काफ़ी कॉन्सेंट्रेशन वाला जो वर्क रहता है उसे आप अवॉइड करें। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, तो एक बार जरूर इसके बारे में डॉक्टर से कंसल्ट करें। यह वीडियो का एजुकेशन वाले पर्पज़ के लिए बनाई गई है, मेडिकल स्टूडेंट के लिए। खुद से इस्तेमाल करेंगे तो आपको कुछ इस तरह के कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आपको सेडेशन हो सकता है, नींद ज़्यादा आ सकती है आपको, और जैसे कि आपको वीकनेस फील कर सकते हैं, आपको चक्कर आ सकते हैं, और जैसे कि आपको एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं जिसमें आपको रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप चैनल और वीडियो पर पहली बार विजिट किए, वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डाउट है डायरेक्ट में पूछ सकते हैं, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।